नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीक्षा कुलश्रेष्ठ। फिरोजाबाद में आलू किसानों की बर्बादी को लेकर समाजवादी पार्टी के एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव एवं सभी वरिष्ठ नेता कई कार्यकर्ताओं के साथ फिरोजाबाद तहसील पर धरने पर बैठे हैं और किसानों की समस्याओं को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दिया। फिरोजाबाद की तहसील परिसर में समाजवादी पार्टी के नेतागण और कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन इसलिए दिया जा रहा है कि जो आलू किसान हैं उनका काफ़ी नुकसान हुआ। किसानों ने आलू की खेती तो कर ली, लेकिन जब वह उपज कर तैयार हो गया तो उसकी सही कीमत उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को नहीं दी, जिससे किसानों को आलू फेंकना पड़ा, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान भी हुआ। आलू किसानों के इस नुकसान को लेकर समाजवादी पार्टी किसानों की मांगों को लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गई है। इनका ये आरोप है कि वर्तमान सरकार किसानों के प्रति ठोस कदम नहीं उठा रही, जिससे किसानों को आलू खेती में इजाफा हो और उनका आलू सही मूल्य में बिक सके। इन समस्याओं को लेकर फिरोजाबाद की तहसील में धरने दे रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दिया है। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से हर तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी क्रम में यह फिरोजाबाद सदर तहसील पे हम लोग आज एकत्रित हैं, समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित लोग। इसके पीछे यही आशा है, किसानों की जो हालत है आज के समय, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन विरोधी और किसान विरोधी है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, किसानों के आलू की हालत कितनी खराब है, सरकार कतई नहीं सुन रही। कर्जे के नाम पर मजाक करने का काम किया, किसी का एक रुपये, किसी का ये 10 पैसे, किसी का 50 पैसे, किसी का 500 रुपये, किसी का 1000 रुपये। लिहाजा केवल एक संदेश देने का काम कर रही थी, लेकिन किसान सब समझ रहे हैं कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। गन्ना का मूल नहीं मिल रहा है, तो ये हालत जो खराब कर रखी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सारे लोग समझ गए हैं। न तो इनका कोई विजन है, न कोई मिशन है, न कोई कार्यशैली इस तरह की है। जो हमारी अखिलेश जी की सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उन्होंने कितना बड़े बड़े विकास किए थे, उन विकास की योजनाएं भी इन्होंने बंद कर दी। चाहे लोहिया ग्राम योजना हो, जनेश्वर मिश्रा ग्राम योजना हो, कन्या विद्याधन हो, समाजवादी पेंशन हो, ये सारी योजना पूरी तरह ठप कर दी। जहाँ तक लोकल की बात है, यहाँ इस क्षेत्र के समस्याओं की, बिजली के नाम पर, बिजली चेकिंग के नाम पर यहाँ लूट की जा रही है, लूट की जा रही है। नगर निगम द्वारा जल मूल्य के नाम पर यहाँ लूट की जा रही है। जो गरीब लोग, मजदूर लोग चूड़ी का ठेला लेकर निकलते हैं, उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं 200-250 रुपये पर मंथ। ये गलत है, एकदम अन्याय। गेड़ा झाली परियोजना माननीय अखिलेश जी ने अपने समय पर 868 करोड़ की चलाई थी, जो माननीय सांसद अक्षय यादव जी के विशेष प्रयास से ही शुरू हुई थी, वो योजना में ग्रांट न देने के कारण से बहुत सुस्त पड़ गई है। जिसका टारगेट था 2016 में पूर्ण होनी चाहिए थी, और जो 17 निकल गई, 18 भी अब लग गई, फिर भी स्थिति ये दिखाई दे रही है, ग्रांट नहीं दे पाए। मेरा कहना यह है, ये सरकार की नीतियों को सारे लोग समझ गए हैं। गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, थानों में पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। सहारनपुर का कांड हो, आगरा का कांड हो, फतेहपुर सीकरी थाने का कांड हो, मथुरा का कांड हो, जगह जगह बड़ी लूट हो रही है। कौन किस समय बैंक से लूट जाए पैसे निकालने के बाद, लखनऊ का कांड हो, बनारस का कांड हो, सारा संदेश है ये केवल पैसा कमाने में लगी है। किसान, व्यापारी, नौजवान सभी दुखी हैं। GST को ले लो, नोटबंदी को ले लो, नोटबंदी को ये बड़े उद्योगपति से सेटिंग है, उस सेटिंग के आधार पर अपना काम ठीक ठाक कर रहे हैं। और इतने इन्होंने काम करते हैं, लोग अब समझने लगे हैं कि इनकी नीति और सिद्धांत इस तरह के हैं, जन विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी आंदोलन के माध्यम से ज्ञापन देगी और ज्ञापन देकर ये मांग करेगी 2019 का जो चुनाव आ रहा है, उस 19 के चुनाव में हम लोग हर हालत में समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट कराएंगे, और इसके साथ साथ 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी।